हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में तवा नान की रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैंने 1 किलो मैदा ले लिया था। उसे मैंने एक बर्तन में निकाल के बीच में से होल करके उसमें मैंने 1 कटोरी खट्टी वाली दही ली थी। उसके बाद मैंने 1 चम्मच उसमें तेल डाला था, आधी चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डाल के मैंने उसे डाल दिया था उसमें। उसके बाद में मैंने 1 पैकेट इनो का यूज़ किया है, इनो को भी मैंने उसके ऊपर में डाल दिया था। और उसके बाद में मैंने हल्का हल्का पानी उसके ऊपर डाल के इनो को एक्टिवेट कर दिया था। तो ये देखिए, हमारा इनो एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से पहले बीच में मिला लूँगी। उसके बाद में मैंने गर्म पानी से इसे गूँथा था, गर्म मतलब सुमसुम पानी था, वो ज़्यादा गर्म भी नहीं था जो कि आप हाथ से गूँथ सके, तो उसे मैंने गूँथ लिया था इसको। और उसके बाद मैंने इसे 3-4 घंटे के लिए रख दिया था। और उसके बाद जब दोबारा मैंने खोला था, उसके बाद मैंने फिर से इसे थोड़ा सा गूँथ लिया था। तो ये देखिए, उसके लिए मैंने थोड़ा सा नान के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लिया है, और धनिया पत्ता के साथ ही मैंने थोड़ी सी मंगरायल भी ली थी। अगर आपके पास है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास था इसलिए मैंने यूज़ कर लिया था। ये इधर देखिए, मैंने 1 पेड़ा ले लिया था, उसका मैंने ये रोटी की तरह उसे बेल दिया है पूरे चकले पे। और उसके बाद में मैं इसे अच्छी तरीके से बेलने के बाद इसके ऊपर में हरा धनिया जो है और वो जो मंगरायल हमने ली थी वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। और उल्टे साइड पर मैं इसके पूरे अच्छी तरीके से पानी लगा दूँगी। अब इसे मैं पानी के तरफ पर तवा पर चिपका दूँगी। ये देखिए, मैंने तवा पर इसे चिपका दिया है। जब इसके थोड़े थोड़े बुलबुले फूलने लगे तो हमें लगता है कि ये पक जाती है, तो ये पक गई है। तो इसीलिए मैंने इसे गैस पे फिर से उल्टा करके इस तरीके से सेक दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। मैं एक और आपको बेल के इससे दिखाऊँगी। ये देखिए, मैंने एक और बेला है, तो इसे मैंने जिस तरीके से भी आप रोटी बेलते उसी तरीके से आप इसे बेल लीजिएगा। उसके बाद ऊपर से हरा धनिया और वही मंगरायल थोड़ा सा चिपका के उसके बाद पीछे साइड में पानी लगा दीजिए। और पानी की तरफ वाला ही आप तवा पर रखिएगा, और तवा पर रखने के बाद में उसको हम उल्टा करके गैस पे अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो ये देखिए, मैंने दूसरा वाला भी सेक लिया है। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बना था, प्लीज़ आप लोग ट्राई करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।